और अब खबर देखते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। झारखंड में कल पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे दौर के मतदान के लिए चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। दूसरे चरण में 20 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 7 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में 8 जिलों की 17 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 12 दिसंबर को वोटिंग होगी। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झारखंड के बोकारो में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि हमारी सरकार ने राज्य के लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने फैसला किया और यह कहा कि मकान, बिजली और पानी, शौचालय, यह सब सारी बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं जिसकी जरूरत हर व्यक्ति को होती है। इसलिए हमारा बल इस बात पर होना चाहिए कि यह सब सारी बुनियादी चीजें भारत के हर नागरिक को उपलब्ध हो जाएं, और इस दिशा में हम लोगों ने काम प्रारंभ किया है।